रो रो के आंसू निकाल लिए मेरे बच्चों ने, चौथे चे बच्चे ने मेले ने, डॉक्टर ने चेक कर लिया था। ये देखो इधर क्या हरकतें हो रही हैं रिद्धि की। डॉटर्स डे है तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि मैं सुबह 5 बजे घर में आया था और 8 बजे फिर उठ गया था और ये माइक लगाए हुए हैं क्योंकि अभी अभी एक रील शूट की है। तो मेरी जिंदगी कैमरा ट्राइपोड मोबाइल, कैमरा ट्राइपोड मोबाइल, और जो हमारी रिधि है उसकी जिंदगी है खाना पीना सोना हगना, खाना पीना सोना हगना, खाना पीना सोना हगना, खाना पीना सोना हगना। सबको हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो सभी को। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। एक और काम है, थूक गिराना। अभी अभी इसने थूक गिराया है तो आसपास इसके तौलिया रखना पड़ता है। कैसे हो बच्चा, बता दो सभी को, बता दो कैसे हो आप। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय, सबको नमस्कार बोल दो। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, हैं कर दो सभी को। क्यूटी पे मरा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तैयारियां करते हैं और आज भी थोड़ा सा पार्ट मैंने शूट करना है अपनी फिल्म का, और आज एक वर्कशॉप भी है थिएटर वालों की, वो भी है और भी सारी चीजें हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई। ये गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत 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 ज्यादा पसंद है, और देश प्रेम के लिए ना अंदर से बड़ा ऐसा जागता है कि यार नहीं यार, हमारा देश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक है दुनिया भर में, हमें घूमना चाहिए, जगह जगह देखना चाहिए। फिलहाल मैं तो नोबिता को घुमाने आया हुआ हूँ, और जब से जॉब कर रहा हूँ ना और मेरा दिल करने लग गया घूमने का। पहले आपको पता मैं ट्रैवल कितना ज़्यादा करता था, घूमने जाता था, मम्मी के साथ भी ट्रिप करता था, प्रभु के साथ भी घूमता ही रहता था, महीने में एक दो बार कहीं ना कहीं पहाड़ों में चला ही जाता था। मगर जब से जॉब करने लग गया हूँ, अब रिधि भी छोटी है तो अभी थोड़ा बहुत ही प्लान हो पाता है। मेरे बर्थडे वाले दिन गए थे वन डे ट्रिप, कोई ऐसा कोई ख़ास बड़ा ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं, तो मन में हो रहा है लेट्स सी कब बनेगा, दिल तो कर रहा है कि जल्दी जाएं। तो यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और प्रभु ने मेरे को बोला था कि मेरे सामने बिल्कुल भी मत बोलना कि मैं थका हुआ हूं, मेरे को नींद आ रही है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारा था और तुम अब ये बिल्कुल नहीं बोलोगे, इसलिए मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल थका नहीं हुआ हूं। मेरी एनर्जी बिल्कुल लो नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैं इतना एक्टिव हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है प्रभु, ओके और अच्छा लग रहा है, इतना तरोताजा दिन है, ऐसा लग रहा है कि हम अभी 25-30 घंटे और जाग सकते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, थैंक यू आपने मेरे को इतना मोटिवेट किया। अच्छा लग रहा है फिर आज? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों रिद्धि? थोड़ी ठीक सी नहीं है ना, आज पूरी रात ऐसे ही थी, वो एक एक घंटा दो दो घंटे की नैप लेके उठ रही थी। हाँ। और रो रही थी ऐसे चिड़चिड़ी सी, बहुत अजीब तरीके से, उसको बुखार टाइप कुछ हुआ पड़ा, फीवर हो रखा उसको। दवाई दे रहे हो? दवाई दी है उसको, अभी जो अभी रात सुबह 4 बजे उसने पॉटी करी है, फिर उसके बाद मैंने उसे दवाई वगैरह दे के दूध पिला के सुलाया था। हाँ। फिर उसका फीवर थोड़ा नॉर्मल हुआ। अच्छा। फिर अभी मैंने थर्ड डोज, तीन डोज होते हैं कि कंप्लीट करने ही होते हैं ना, तीन डोज देने होते हैं, तो तीसरा डोज फिर मैंने सुबह उसको दिया। अच्छा। तो अभी फीवर तो नहीं था, पर वैसे अभी होता ही है ना, लो फील तो करता ही है बच्चा, हम ही करने लग जाते हैं, बॉडी साथ नहीं देती है। हाँ जी। चलो देखते हैं ठीक होगी, नहीं तो फिर शाम को लेके जाएंगे, नहीं तो कल सुबह लेके जाएंगे। तो जी चलो गाड़ी पार्किंग करने जा रहे हैं, वॉक एक्शन।
प्लीज घर पे कॉल मत करना मैम। घर पे कॉल करना ही पड़ेगा, 7 बैकलॉग्स हैं, कैसे क्लियर करोगे? तुम्हारे घर वालों को पता तो होना चाहिए ना, यहाँ पढ़ाई करने आए हो, आवारा गर्दी करने आए हो। प्लीज मैम एक बार करना ही पड़ेगा कॉल, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम एक बार मेरी बात तो सुनो मैम प्लीज। दोस्तों छुट्टी होगी और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। कल भी वर्किंग है ना? मेरा कल भी वर्किंग है। और आप जब ये ब्लॉग देख रहे हो दोस्तों, एक दिन डिले चल रहा है हमारा ब्लॉग, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ब्लॉग आ गया था ना, उसकी वजह से डिले हो गया। क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग वाले दिन भी हमने डेली ब्लॉगिंग की थी, उसकी वजह से डिले हो गया। और आज सैटरडे है और आप ये मे बी पता नहीं कब देख रहे होंगे, है ना? मंडे देख रहे होंगे। तो कल संडे है, तो कल संडे मेरा वर्किंग है, तो कल मेरे को आना होगा। तो आज की रात है मेरे पास सोने के लिए, ब्लॉग भी एडिट करने के लिए। हाँ जी, और मेरी रितु देखो, अपना मोबाइल पूछा नहीं आपने? आप कह तो रहे थे, वो कह रहे थे होगा तो मैं बता दूंगा खुद ही फोन करके। आया ही नहीं फिर फोन। वही ना, अब फिर वो तो अचानक ही ऐसे खराब होके रख दिया। और मेरे बहुत काम ना, मेरी बहुत छोटी छोटी चीजें, मेरी आईडी सारी, वो सब उसी में चल रहा है। इनकी शुरुआत हो चुकी है, तो भागते दौड़ते दिन की शुरुआत हुई है। रिधि की तबीयत खराब है, रिधि को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पति देव का आज ऑफिस वर्किंग है, तो उनको ऑफिस जाना है। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। दीदी और मम्मा ने आज मार्केट जाना है, क्योंकि दीदी ने अपना सामान वगैरह लेना है। तो घर में रोज रिधि की वजह से वो फिर रिधि के साथ होते हैं, दोनों तो जा नहीं पाते, तो उन दोनों ने मार्केट जाना है। तो ऐसी सिचुएशन सारी हो रखी है, सब ने जाना है। तो आज आपका वर्किंग क्यों है आप बताओ पहले? वो वर्कशॉप है, तो उस वजह से है। वर्कशॉप किस चीज की है? एक्टिंग की। एक्टिंग की वर्कशॉप है, तो इसलिए तो इनके स्टूडेंट्स वगैरह है जो अटेंड कर रहे हैं। इधर रितु हमारी देखो कैसे शांत है, ऐसी शांत ये नहीं तो नहीं बैठती। ऐसी ये शांत है क्यों वैसे, ये तो बताओ। इसको ना बहुत ज्यादा बुखार था कल, ऑलरेडी आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, परसों भी मैंने बताया था इसको बुखार होने लगा था। तो हम इसको घर में ही दवाई देके देख रहे थे, दवाई और ठंडी पट्टियां हम वो करके देख रहे थे, उससे फर्क पड़ा था ठंडी पट्टी से। पर रात को फिर से बहुत ज्यादा बुखार हो गया था इसे, और दूध ये जैसे पी ही नहीं रही, दूध नहीं पी रही, बहुत कम फीड ले रही है, अजीब सी हो रखी है ऐसी। तो उसको कौड़ा कौड़ा लग रहा होगा शायद, हाँ, बुखार की वजह से। हाँ ऐसे हो सकता है, और दूसरा बॉडी पेन्स भी होंगी ना, और फिर नहलाया नहीं फीवर की वजह से मैंने, 2 दिन हो गए। हाँ। ना नहलाने की वजह से भी थोड़ा ऐसे हो जाता ना, थोड़ा लो फील करता है बेबी, उसको रोज नहाने की आदत है। तो काफी सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा, उधर से बात प्रब जाएंगे बेबी को दिखाने। तो यही अभी प्लान है, बाकी पर ब्लॉग बनाते रहेंगे और मैं अपना ब्लॉग बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं। रिधि सबको गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, आज गुड मॉर्निंग नहीं बोली है। आज रिधि की खुद की मॉर्निंग गुड नहीं है ना, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोली है। रिधि ने मुंह ही उधर कर लिया, मुंह ही उधर कर लिया। बेटा रिधि बुला रहे पापा, पापा दी ग्रेट देखो, पापा दी ग्रेट। कृष्णा ये गाना सुना रहे थे आज रिधि को, तो रिधि हंस रही थी इस गाने पे। वो हंस रही थी कि अपने आप को ग्रेट बनाई जा रहे हैं। रिधि बाहर देख रही है, एंजॉय कर रही है नोबिता की तरह। हाँ। देखो 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 इधर देखो, पापा को देख लो ना, पापा को देखो ना, इधर देखो आप क्या किया हुआ। हाँ। मम्मा की बेटी ये पाड़ू पाड़ू छी, मम्मा की बेटी ये पाड़ू पाड़ू छी, पापा दी ग्रेट देखो, पापा दी ग्रेट। छोड़ दे बेटा, मम्मी को छोड़ दे मेरे बच्चे, मैं बाल छू दू, मैं पहले गंजा हो रहा हूँ, मैं पहले गंजा हो रहा हूँ। नहीं नहीं, और बाकी कर रहता बेटा, इसने गंजा कर देना अब। और जोर जोर से खींच रही है, छोड़ दो ने प्लीज, पीछ छोड़ दो पीछ। मैं दिखाती हूँ बाहर, मैं बाहर दिखाती हूँ, छोड़ो। तो मैं तो पहुंच गया हूँ यूनिवर्सिटी और प्रब जाने लगी है। बाय 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 बाय, देखो कैसे खेल, बाय बाय रिधि, रिधि रिधि पता ही नहीं इसको, बाय बाय। रिधु बेबी हमारी निन्नू कर रही है यहाँ पे,
और हाफ वे में ना मम्मा आ गए थे कि रिधि को अकेले संभालना मुश्किल होगा कि मैं भी चलती हूँ साथ में, तो मम्मा भी है साथ में और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। रो रो के आंसू निकाल लिए मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे ने मेरे ने। डॉक्टर ने चेक कर लिया था, आप जो पूछे भी ना चेक कर लिया डॉक्टर ने। हाँ मेडिसिन वगैरह ले ली है, अब उसके बाद टाइम है रिधि के डाइपर्स खरीदने का, सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो अभी इतने दिनों से हम जॉब पे जा रहे थे तो डाइपर्स एकदम लास्ट है आज, तो आज खरीदने पड़ेंगे, डेडलाइन है। और क्योंकि संडे है पूरा बाजार बंद पड़ा है, ओ ये देखो, तो कहाँ से डाइपर खरीदूंगी पता नहीं, अभी देख लेती हूँ घूम के, अगर कोई शॉप मिल जाती है खुली तो ले लेंगे, नहीं तो फिर रैंडमली खरीदना पड़ेगा। एक शॉप मिल गई है खुली हुई, यहाँ से खरीदते हैं फिर। ये देखो बड़ा पैक आ गया है रिधि के डाइपर्स का, और हम चलते हैं देखते हैं रिधि क्या कर रही है गाड़ी में। ये देखो इधर क्या हरकतें हो रही हैं रिधि की। ये ना रिधि अपना यहाँ पे, ये देखो पिल्लोज के साथ चेयर बना के लगी हुई है नानी मम्मा के साथ खेलने। रिदड़ू पिद्दू पिद्दू मस्ती करी जा रहा है मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग मेरा लिटिल बेबी, गुड मॉर्निंग लिटिल बेबी, पालूचा बेबी है मेरे पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैसी होती है मम्मा की रिद्धु की स्माइल के साथ? गोल गोल थोड़े गेर पाऊंगी। काकू वाओ, काकू वाओ, आई मिला बच्चा चोना चा। मिला लितलू चा बेबू। दवाई लेके ठीक हो गया? दवाई खाई भी नहीं अभी, पहले ठीक ही हो गई, डॉक्टर को दिखा गई है। मार्केट से घर आ गए थे, घर आके मैंने चेंज किया, चेंज करके सबसे पहले नोबिता की साफी करके उसको नहलाया, फिर उसके बाद रिधि को नहलाया, क्योंकि कल फीवर की वजह से ना कल नहलाया था और आज भी बिना नहाए उसे लेके गए थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा उसको अच्छा फील होगा तो उसको नहला दिया। नहाने के बाद रिधि हमारी अच्छी नींद में अभी सो रही है, दवाई वगैरह उसने खा ली है। अभी मैं समेट रही हूँ कपड़े, पति देव के कपड़े और अपने जो है ऑफिस वाले, ये सारे प्रेस करके अभी सेट करके रख लूंगी फॉर्मल्स, क्योंकि दिन रोज रोज सुबह सुबह टाइम नहीं होता प्रेस करने का। काम निपटा के, काम कपड़ों का काम खत्म करके, उसके बाद मैंने आज अपने स्टूडियो भी जाना है गुरुमा से मिलने, हमारी ड्रीम कैचर के रिगार्डिंग मीटिंग्स होती रहती है, अभी काम चल रहा है उसके भी, क्योंकि थीम बेस्ड परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं तो उसको लिए, उसके लिए काफी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो वो सारा डिसाइड करने के लिए आज संडे का दिन ही है, तो आज जाऊंगी मैं वहां पे। और मैं जब घर आई उसके बाद दीदी और मम्मी तैयार होकर फिर चले गए थे मार्केट, तो अभी मैं ही हूँ घर पे, पापा है, पापा टीवी देख रहे हैं। इधर देखो नन्नू का है एग्जाम कल, तो नन्नू को पढ़ना पड़ रहा है। नन्नू कौन सा पेपर है कल है? जोर से बोल के बता। SST का पेपर है नन्नू का। कितने चैप्टर्स हैं? चार, बड़े बड़े चार। ओ, हो जाएंगे याद फिर है, फर्स्ट आ जाएगा क्लास में। तो ये अभी ये सब चल रहा है। निकल गई हूँ घर से और रिधु बेबी अभी भी सो रही है, मुझे खुशी हो रही है कि इसको आराम आ गया दवाई से। और ये देखो रास्ते में दशहरे की तैयारियां भी होने लग गई हैं। स्टूडियो से फ्री हो गई थी तो अभी मैं जा रही थी गिरीश को पिक करने। ये देखो रिधि सो रही है कॉट में, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जाम में फंस गई हूँ, तो मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया है मैं ऐसे ही लंबे रूट से जाम में ही फंसी हुई हूँ।
ओ माय गॉड दोस्तों, तगड़ा ही जाम लगा हुआ है ये देखो, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं कुछ हो गया है शायद आगे, इसीलिए पूरा हाईवे ही ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो उसके बाद मैं घर में आ गया हूँ और रिधि भी हमारी घर में है और यहाँ पे लेटी हुई है, आराम कर रही है। ये देखिए हमारी गुड़िया को नींद भी आ रही है, उठ भी रही है, मगर बहुत ज़्यादा आराम है पहले से दवाई से, तो अभी ये सो रही है प्रॉपर। इसने आज नींद निकाली है पर बता रहे थे। और मुझे अभी जाके पता लगा रात को कि आज डॉटर्स डे है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हर चीज़ का डे हो ही गया है तो डॉटर के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आप देख ही रहे हो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं रिधि को पाकर, और थैंक यू करते हैं भगवान जी का और थैंक यू करते हैं रिधि का कि वो हमारे घर में आई और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इसके साथ, इसको अपने पास महसूस करके। और शुरू से ही मेरा एक ड्रीम था, जब मैंने शादी का भी सोचा था और शादी से पहले भी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था वीडियो, जब मैंने प्रभु को प्रपोज़ किया था उस समय भी मैंने यही बोला था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यही है कि अगर मेरी कोई औलाद हो तो वो बेटी हो। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कहने के लिए कह दिया या प्रभु को इम्प्रेस करने के लिए कह दिया या वैसे ही सोच लिया, मेरे मन में ही ये था। और मैंने अब आगे अपना कोई बच्चा सोचा भी नहीं है इसके अलावा, अभी तक तो यही मेरा प्लान है कि मैं सिर्फ रिधि को ही प्यार करना चाहता हूँ, रिधि के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और मेरे को, मैं ब्लेस्ड हूँ, बस मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। तो रिधि इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना, और बेटी इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो डॉटर्स डे की सभी को बधाई हो। और मुझे लगता है कि अब वो वाली मानसिकता तो बहुत पीछे रह गई है, कहीं कहीं अभी भी गाँव में लोग कहीं कहीं जो टिपिकल सोचने वाले हैं वो अभी भी इस तरह सोचते हैं, बेटा बेटी में फ़र्क करने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं, वो करते भी रहेंगे। समाज है, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, और कईयों को लगता होगा कि अरे बेटी हो गई है इसके तो ये ड्रामे कर रहा है बेटी वाले। मगर लवी और मैं बात कर रहे थे और लवी से मेरी बात हो रही थी, लवी हमेशा अपनी बेटी की तारीफ़ करता रहता, बेटी बेटी करता रहता, तो मेरे से फ़ोन पे बात करता था। तो मुझे तो वैसे भी बेटियां पसंद ही थी और मैं उसके घर में भी गया जब उसको भी मिला, ज़ायरा को मिला, बट आप मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि यार मेरे घर में भी बेटी हो जाती है ना। और उसके बाद जब प्रभु की फ्रेंड से भी मिले थे हम, मिम्मी को भी मिला, तो मेरे अंदर और ऐसा होने लगा यार हमारे भी बस बेटी हो। और मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट, जब हम प्रभु और मैं हम इसका करवाने गए थे, क्या कहते हैं प्रभु, प्रभु भी आ गई है क्या, उसको हम चेक करवाने गए थे जब इसका, जब पेट पहले बार करवाया था, कार्डियक एक्टिविटी चेक, हाँ इसका दिल की धड़कन चेक करने लग गए थे, तो डॉक्टर हमारे नॉन थे, तो उन्होंने वैसे ही हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे कहा था कि आपके घर में काना आएगा। तो हमें लगा कि शायद इन्होंने देख लिया है, और वैसे बताना तो नहीं, उनको पता ही है हम, हमारा इस तरह का नहीं है और हम पब्लिकली ही सबके सामने थे, है ना, तो ऐसा तो कोई माइंड में था पर नहीं, ये है ना सोसाइटी का ही एक है कि वो ब्लेसिंग्स के तौर पे ऐसे कहते हैं कि आपको हाँ, लड़का होगा। तो हम थोड़ा प्रभु और मैं बहुत घबरा गए और हम उसके रिगार्डिंग बात करना ही नहीं चाहते थे, है ना, और कि गलत ना लगे कि ये जानना चाहते हैं या वैसा वैसा। तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि यार लड़का होएगा, है ना, प्रभु भी यही सोचती थी लड़का होएगा, तो ऐसा वैसा हमारा ऐसा हो। और लोग सो ब्लेसिंग के तौर पे ऐसा, हर कोई ऐसा ही बन गया कि बधाई हो, खुश करने के लिए, किसी को भी खुश करने के लिए कहते हैं बेटा ही हो, यही दुआ करते हैं ना। इवन कि जब हमारी गणेश जी की आरती में भी बोलते हैं कि अंधन को आंख देत, कौड़ियन को माया, बांझन को पुत्र देत, है ना, तो हमारी संस्कृतियों में हमारे ग्रंथों में गुरुओं ने नहीं लिखा, लिखने वाले मनुष्य ही हैं जिन्होंने लिखा, और उन्होंने वही अपनी इच्छाएं लिख दी, है ना, तो पुत्र और पुत्री में इन्होंने ही भेदभाव किया ना। तो हम बड़ा इस तरह डिप्रेस होने लग गए थे, और जो भी बोलता नहीं लड़का ही होगा, पेट गोल है, ये है वो है, उनको लगता था कि हम खुश होंगे इस बात से, हम उदास हो जाते थे इस बात से इंटरनली। इवन हम आपस में भी इतना डिस्कशन नहीं करते थे हाँ, कि अगर सच में बाद में लड़का हुआ तो फिर एक्सेप्ट करने हाँ, में प्रॉब्लम तो, ना हो। वो तो यही था कि तो, चलो जो होना है वो होना है, हमने छोड़ ही रखा था कि उसको तो प्यार से एक्सेप्ट ही करना था जो भी हो ना, मगर दिल की इच्छा यही थी कि बस बेटी हो प्यारी सी,
और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि उसके बाद मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया है। अब और वैसे मेरा ये ना मतलब मेरी इंटरनल फीलिंग है क्योंकि जब तक रिधि हुई नहीं थी ना तब तक यही था कि बेटा ही है, बेटा ही है ना। तो और उस समय भी प्रभु मैंने आपको क्या बोला था, अगर बेटा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? जब मैंने बोला था अगर बेटा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं कि हम उसको भी अपनाएंगे अच्छे से। अरे मैंने कहा वो अगर बेटा हो गया तो बेटी के लिए क्या करेंगे। अच्छा हाँ, बेटा हो गया तो हम बेटी अडॉप्ट करेंगे, हमने तो बेटी को डिसाइड किया हुआ, गोद लेने का डिसाइड कर लिया था मैंने कि हम कहीं जाके एक बेटी जरूर गोद ले लेंगे, इतना हमारे मन में लड़की के लिए बेटी चाहिए। तो जब ऑपरेशन थिएटर में ना मेरे को उन्होंने एनेस्थीसिया दिया तो मुझे वो एनेस्थीसिया से बहुत ज्यादा घबराहट, और पूरा मोमेंट तो आपने व्लॉग में देखा भी नहीं होगा ना, जब मेरे हाथ में आई तो मैं इमोशनल हो गया था बहुत ज्यादा। तो आपके हाथ में आई और हाथ में मेरे हाथ में नहीं थी, डॉक्टर के हाथ में थी। जब एनेस्थीसिया दिया हुआ था ना तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, तो वो मेरे को कह रहे थे कि आप अपने हैंड्स ऐसे रखो है ना, तो मेरे को मेरे इस हाथ में मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, मैं हिला रही थी अपने हाथ, मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो जैसे ही हुआ तो एकदम से जब वो बाहर पुश करने लगे, उसको निकालने लगे ना, तो बहुत एकदम पेट पे बहुत बर्डन मुझे फील हो रहा था, तो बहुत एकदम मैं ऐसे था। चलो ये एक्सपीरियंस में बताएंगे आप, मेन बात बताओ। मैं मेन बात बता रही हूँ। तो जैसे ही मुझे आंटी ने बोला ना कि प्रभु बेटी हुई है, है ना, तो मेरे को एकदम से मेरे को सच में सब कुछ ही भूल गया कि मेरे हाथ में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, और मैं हंस रही थी, मैं रो भी रही थी, मैं हंस भी रही थी। तो जो डॉक्टर थे एनेस्थीसिया वाले ना, तो उन्होंने तब मेरे को नींद का इंजेक्शन दिया था कि आप रेस्ट कर लो, तो मैं सो ही नहीं पा रही थी, ना मैं जाग पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी, ना मैं जाग पा रही थी, और मैं बस यही थी मुझे बेटी हो गई, मुझे बेटी हो गई, मैं यही अपने ख्यालों में खुश हो रही थी, मुझे बेटी हो गई, मेरे घर बेटी आ गई, अब मैं उसे अपने साथ की मैचिंग ड्रेसेस पहनाऊंगी, उसे सजाऊंगी, तो मेरा सारा दर्द दूर हो गया था। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं पता? क्योंकि आज डॉटर्स डे है। हां, डॉटर्स डे है, तो हैप्पी डॉटर्स डे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।